हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ऐसे बिंदु जो कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के साथ साथ आपके पर्यावरण अध्ययन की समझ को भी बेहतर करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक निवेदन उन लोगों से, अपने उन नए व्यूवर से जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ फ्रेंड वॉच द फुल वीडियो और देन आप डिसीजन लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया पूरा वीडियो देखिए और खुद निर्णय लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो नमस्कार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला बिंदु है पेटा क्या होता है। तो पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग। यह एक पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर यूएसए यानी कि अमेरिका के वर्जीनिया के नारकोल्ट में स्थित है। यह बिंदु भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि पेटा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि यूएसए के वर्जीनिया के नारकोल्ट शहर में स्थित है। विश्व भर में इसके लगभग 20 लाख सदस्य हैं और यह अपने को विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन होने का दावा करता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन कौन है? तो आपका जवाब होगा पेटा। ठीक है, इनग्रिड न्यूकिर्क, ये वो बंदा है जो कि इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा कि पेटा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इनग्रिड न्यूकिर्क, ये जो है पेटा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पशु हमारे खाने, पहनने, अनुसंधान, मनोरंजन या किसी भी तरह से दुरुपयोग के लिए नहीं है, किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ये स्लोगन है? तो ये कथन जो है वो पेटा का है। पेटा जो है पशु अधिकार संरक्षण करता है, तो निश्चित रूप से पशु को भी ह्यूमन के इक्विवेलेंट मानता है और कहता है जैसे मनुष्य के साथ आप उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, वैसे पशुओं के अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु देखिए, दो या दो से अधिक इकोसिस्टम के संक्रमण क्षेत्र सामान्यतः उनको मतलब क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, ये इकोटोन के बारे में आप लोग गूगल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसके साथ ही आपको जो है इकोसिस्टम के बारे में भी एक बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। आगामी वीडियोज़ में मैं इसके बारे में एक फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इसकी चर्चा करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ये किससे संबंधित है? तो जहाँ पर भी अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब का प्रयोग होता है शब्द का, तो आप वहाँ पे इन्वायरमेंट को ले सकते हैं। तो ये एक्ट जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला बिंदु देखते हैं। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, मानव जीनोम परियोजना यह एक अति महत्वाकांक्षी, बृहद एवं सर्वाधिक खर्चीली, यानी कि इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है, जैव वैज्ञानिक परियोजना है। मतलब ये जो है जैव वैज्ञानिक परियोजना आप इसको कह सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अमेरिका के ऊर्जा विभाग यानी कि USDE, अमेरिका के ऊर्जा विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की भागीदारी से सन 1988 में मानव जीवन परियोजना शुरू हुई थी। इसका औपचारिक शुभारंभ 1990 में किया गया। कालांतर में इसने पूरी दुनिया में अपना मतलब कि विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। 18 देशों की लगभग 250 प्रयोगशालाएं इसमें सम्मिलित हो चुकी हैं, मतलब 18 कंट्रीज हैं और लगभग 250 लेबोरेटरीज हैं जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं, ये जान लेना इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्य लक्ष्य है मानव डीएनए के लगभग 1 लाख जीनों की पहचान करना, यानी कि डीएनए जो होता है इंसान का, उसमें जो जीन्स होते हैं उसमें जीन के अलग अलग प्रकार हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख जो जीन हैं उनकी पहचान कर सकें। जीनों की पहचान करने से आप इंसानों का अलग अलग कोडिफिकेशन या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। मानव डीएनए बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ छरकों का निर्माण करना, सूचनाओं को ये जो सूचनाएँ मिलेंगी
इनको डाटाबेस में डालना, अधिक तेज और कार्यक्रम अनुक्रमित प्रौद्योगिकी का विकास करना, ठीक है, और इसके साथ आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक अपना जो है टूल जो है वो बनाना। तो देखिए ये पहला चरण जो था 1990 में शुरू हुआ था, मैंने आपको बता दिया, तब इसे 15 वर्षीय परियोजना के रूप में लिया गया था। इसके तहत मनुष्यों के लगभग 100,000 जीनों में विद्यमान 3 अरब क्षार युग्मों का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य मात्र 3 वर्षों में ही पूरा हो गया। दूसरी योजना की कार्यावधि भी 1993 से 1998 है। तीसरी परियोजना के अंतिम चरण में क्षार युग्मों का पूरा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने देना उचित समझा। अब आगे देखिए, देखिए प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसको और अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिसिटी से, तो इसको इलास्टिक बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। याद रखिएगा कि अगर सवाल उठता है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और इलास्टिक बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो अगला बिंदु देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, देखिए दो ये शैवाल हैं, इसे नील हरित शैवाल कहे जाते हैं, नाम है उसका नोस्टास्क और एनाबीना। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो धान के खेतों में पाए जाते हैं। जो लोग गांव से हैं फ्रेंड्स वो जानते होंगे कि बरसात के दिनों में जब खेतों में जो है धान के खेत में पानी जमा हो जाता है, तो आप देखेंगे धान के जो खेत है उसके ज़मीन पर हरे रंग की एक पपड़ी जो है जम जाती है। ये पपड़ी जो होती है वो नील हरित शैवालों की होती है, और इन शैवालों में नोस्टास्क और एनाबीना नाम के शैवाल होते हैं जो कि यूरिया बनाने का काम करते हैं, यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का वो फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए ये बिंदु आ गया, WWF, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। अब अगले बिंदु देखते हैं, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको क्या कहेंगे, ICRISET, इक्रिसेट ने छोटे किसानों के लिए ग्रीन फैबलेट का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा कि इक्रिसेट ने छोटे किसानों के लिए ग्रीन फैबलेट का उद्घाटन किया है, यानी कि सवाल अगर पूछा जाए कि ग्रीन फैबलेट को किसके उपयोग के लिए बनाया गया है, तो जवाब होगा आपका छोटे किसानों के उपयोग के लिए बनाया गया है, और इक्रिसेट ने बनाया है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बायोगैस और बायोमास में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं नीचे समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि बायोमास क्या होता है और बायोगैस क्या होता है। तो भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो भारत में बायोमास मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, धान की भूसी आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोमास होता क्या है। देखिए जीवित जीवों अर्थात हाल में ही मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव संघत या बायोमास कहलाते हैं, ठीक है। संघत का अर्थ ही मतलब इंग्लिश में अर्थ होता है मास, तो इसलिए जैव संघत या बायोमास कहलाता है। प्रायः यहाँ जीव से आशय पौधों से होता है। बायोमास जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत होता है, इससे आप डायरेक्टली यानी कि इन्हें सीधे जलाकर भी आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, उष्मा प्राप्त कर सकते हैं, या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में भी परिवर्तित किया जा सकता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गन्ने की खोई होती है, धान की भूसी होती है, अनुपयोगी लकड़ी होती है, तो इसका आप कई तरीके से उपयोग करते हैं। डायरेक्टली भी आप चूल्हे में लगा के इससे आप एनर्जी प्राप्त करते हैं, अदरवाइज इसका रूप बदल के भी आप इससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो ये बायोमास कहा जाता है। जबकि बायोगैस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए बायोमास को थोड़ा सा और बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है, जिन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। उष्मीय विधियाँ यानी कि जलाकर, रासायनिक विधियाँ यानी कि उनका रूप परिवर्तन करके, और जैव रासायनिक विधियाँ यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि इनको अगर जैव रासायनिक यानी कि अगर इनको थोड़ा सा सड़ा दिया जाए तो इससे खाद वगैरह बनाते हैं, खाद वगैरह बन भी जाती है, साथ ही साथ इनसे जो है गैस जो निकलती है उसको बायोगैस के रूप में भी प्रयोग करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो आप देखते हैं बायोगैस क्या होती है। देखिए जैव गैस जो होती है या बायोगैस, यह वह मिश्रण है जिसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा गाँव में जो गोबर गैस होता है उसको ढक दिया जाता है और उसके अंदर गोबर को घोल दिया जाता है, फिर उससे गैस निकलती है, उस गैस को पाइप के थ्रू हम ले जाते हैं अपने जो है चूल्हे में,
जो कि गोबर गैस का चूल्हा अलग होता है, फिर उसमें उसको हम यूज करते हैं। नीली फ्लेम के साथ एक अच्छी एनर्जी मिलती है आपको, एक अच्छी ऊर्जा मिलती है उससे। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों एवं कचरे से उत्पन्न की जा सकती है। यह पर्यावरण मित्र और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नहीं होता है, मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, साथ ही साथ ये पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये होती है कि इसका उपयोग करने के बाद फिर वो जो कचरा होता है उसको आप खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में खेतों में प्रयोग करके खेतों की जो फसल होती है वो बढ़ाई जा सकती है। अब अगला बिंदु देखते हैं, जलवायु संबंधी लीमा घोषणा पत्र को किससे समापन पर घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर सवाल सिर्फ इतना ही आता है कि जलवायु संबंधी लीमा घोषणा पत्र किसके समापन पर संबंधित किया घोषित किया गया था, तो ये COP 20 के समापन पर घोषित किया गया था। याद रखिएगा लीमा घोषणा पत्र जो है ये COP 20 से रिलेटेड है, याद रखिए। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि लीमा घोषणा पत्र जो था वो लीमा सम्मेलन हुआ कहाँ था। देखिए लीमा जलवायु सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन में कटौती, देखिए कोई भी जब मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सम्मेलन होता है तो उसमें कार्बन उत्सर्जन एक मुख्य मुद्दा होता है। तो लीमा जलवायु परिवर्तन में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के मुद्दे पर विकसित एवं विकासशील देशों, यानी कि दोनों प्रकार के देश इसमें शामिल थे, 2 हफ्ते से विद्यमान गतिरोध अंततः 14 दिसंबर 2014 को समाप्त हो गया और अंतिम क्षण में दिसंबर 2015 में पेरिस के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली नई वैश्विक जलवायु संधि के मसौदे प्रस्ताव पर सहमति बन गई। इस मसौदे को पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन में 20% तक की कमी लाने की उम्मीद बढ़ी है। अब इस मसौदे को दिसंबर 2015 में पेरिस में भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में साझी लेकिन विभेदीकृत जिम्मेदारियां एवं संबंधित क्षमता के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत होना, यानी कि थीम होगा भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में साझी लेकिन विभेदीकृत जिम्मेदारियां एवं संबंधित क्षमता के सिद्धांत। बहरहाल लीमा सम्मेलन में दुनिया के 194 देशों ने उत्सर्जन कटौती के राष्ट्रीय संकल्प के इस मसौदे को स्वीकार कर लिया, यानी कि 194 कंट्रीज ने लीमा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के एक बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अब ये माना जाएगा कि अब सभी देश जो इस पर एग्री हो जाएंगे। ये 2015 की बात है जिस पर आकर 2017 में अमेरिका ने पलटी मार दी थी, आपको उस घटना के बारे में पता होगा। जलवायु कार्यक्रम का लीमा आह्वान नाम से इस मसौदे को दिसंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन में अंतिम रूप से स्वीकृत होना है। यह पहला मौका है जब कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुके चीन, भारत और ब्राज़ील सहित अन्य विकासशील देश अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए हैं। स्वीकृत नए मसौदे के तहत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सभी देश 31 मार्च 2015 तक अपने उत्सर्जन कटौती को लक्ष्य में, मतलब इसका जो लक्ष्य होगा उसको प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियोस रिलेटेड और इन रिलेटेड, मतलब कि अगर आपको पसंद आया तो ये श्रृंखला जारी रहेगी, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन भी कर सकता हूँ। अगर प्रश्नोत्तर के रूप में चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं मॉक टेस्ट के रूप में भी ऐसी वीडियोज को प्रेजेंट कर सकता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स अपनी राय जरूर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।